हाय गाइस, तो आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में हम ये जो ड्राफ्ट टूर्नामेंट चल रहा है, तो उसका हम जो अभी तक 15 विंस कैसे हुए, तो मैं आपको ज़रूर बैटल्स एंड टिप्स वगैरह दूंगा, एंड इसके बाद मैं भी लाइव रिकॉर्डिंग करूंगा। तो चलो, हमारा 10th से मतलब मैं 5 बैटल दिखाऊंगा, तो आपको उधर थोड़ा कार्ड्स पिक करने में। तो इधर एक सेकंड, तो फ्रीज और स्नोबॉल है। तो मैं इधर क्या पे, मेरे को मैं ही भूल गया, प्रॉबेबली क्या फ्रीज पिक करूँगा क्या। मैं इधर सोच रहा हूँ कि मतलब क्या लेना है करके, तो फ्रीज और स्नोबॉल। तो स्नोबॉल पुश बैक करने में और मिनियन हॉर्ड वगैरह और ऐसा जो स्केलेटन आर्मी को लेने में मतलब इतना काम करते, तो फ्रीज भी ऑलमोस्ट फ्रीज भी करते, बट 2 एलिक्सर ज़्यादा है। तो मैं सोचा कि डबल एलिक्सर में मतलब बलून वगैरह मिला तो या ग्रेवियर वगैरह मिला तो फ्रीज बहुत अच्छा करता है, तो इसलिए मैंने फ्रीज लिया। तो इधर मैं गार्ड्स ले लूँगा, क्योंकि आपको और एक थिंग गाइस, तो ऐसे थोड़ा एलिक्सर तो मतलब 2-3 एलिक्सर ज़्यादा हो तो हेजिटेट मत करना। स्लो सिंगल एलिक्सर में थोड़ा स्लो खेल के डबल एलिक्सर में थोड़ा उसको कैपिटलाइज करो, तो थोड़ा हैवी कार्ड्स लिया तो भी चलेगा। तो इसलिए मैं ऑलवेज मतलब दोनों कार्ड्स को कंपेयर करता हूँ, उसमें जो बेटर लगता है कि वन ऑन वन, तो वो मैं लेता हूँ ऐसा। और थोड़ा एयर एंड ग्राउंड डिफेंस आपको मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा, और एक विन कंडीशन लेना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राफ्ट में। तो इधर मैं फायर स्पिरिट रखूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी गार्ड्स है। तो इधर मेरे को मैं माइनर भी ले सकता था, बट इधर मैंने विन कंडीशन जो ये था, क्या था भाई वो, वॉल ब्रेकर, तो इसलिए वॉल ब्रेकर सेलेक्ट। तो इधर मेरे को एलिक्सर गोलम मिला, तो मैं उतना कुछ नहीं, क्योंकि एलिक्सर गोलम उतना अच्छा नहीं करता, बट समटाइम्स अगर आपके ओपोनेंट के पास सही कार्ड्स नहीं है तो एलिक्सर गोलम इज़ गुड, बट वो जो सिंगल एलिक्सर में जो एलिक्सर देता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इधर मेरा ओपोनेंट ऑलरेडी लावा के साथ जा चुका है, तो इधर मैं बैट स्टैक करने का सोच रहा हूँ एलिक्सर गोलम को टैंक करके, बट देर से इस एग्जीक्यूशन। तो इधर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इधर फ्रीज यूज़ कर सकता था, मेरे को पता नहीं, बट लकीली वो जो एग्जीक्यूशनर मर गया, और वो जो एलिक्सर ब्लॉब्स के ऊपर टारगेट करने स्टार्ट कर दिया। तो इधर मैं थोड़ा स्पैम, मेरे पास विच भी है तो मैं सही फील कर रहा हूँ, बट वो जो एग्जीक्यूशनर जो एक कार्ड है पूरा मेरा पुश को शट डाउन कर सकते हैं। तो इधर जो फ्रीज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इफ़ यू जस्ट फ्रीज द एग्जीक्यूशनर तो बहुत, फिर से मैं नाइट विच के बैट से मेरा उसका जो लावा है उसको मैं काउंटर करने देख रहा हूँ। तो मेरे को पता है कि उसके पास अभी स्नोबॉल साइकिल पर नहीं है, तो इसलिए मैं बैट्स को ही छोड़ देता हूँ था। और इधर मेरा फायर स्पिरिट एक टाइल पीछे हो गया, इसलिए आइस विजर लॉक हो गया, तो कोई बात नहीं। तो फिर से मैं विच को पीछे से प्ले करूँगा, देखते हैं कि इफ ही ओके, वो रॉकेट यूज़ करेगा, तो आई विल प्रेजर विथ माई वॉल ब्रेकर्स, एंड मेरे को पता है कि वो मतलब कुछ स्पेंड करेगा, इसलिए मैंने उसी समय एलिक्सर गोलम एंड नाइट विच के साथ चला गया, एंड फ्रीज रेडी रखना हो, एंड देर इज इस एग्जीक्यूशनर। एंड देखो गाइस, अगर मैं स्नो बॉल लेता तो मैं मतलब गेम ऑलरेडी हार चुका होता, तो इधर मेरे को उसका टावर मिल गया। स्टिल ही इज नॉट एबल टू डिफेंड विथ दिस एग्जीक्यूशनर एंड स्नो बॉल। तो मेरा वॉल ब्रेकर्स प्लस फायर स्प्रेड के साथ चला, तो गुड गेम कॉल करे। तो मैं इधर थोड़ा डैमेज लूँगा, क्योंकि एग्जीक्यूशनर टावर को लॉक होने देता हूँ, अगर सीधा डाल दिया तो एग्जीक्यूशनर विल टेक आउट एवरीथिंग। तो आई थिंक इधर वो रॉकेट करे, क्योंकि विच एंड रॉकेट दोनों टावर पे है। इधर मैं उसको छोड़ देता हूँ और सब स्पैम करता हूँ ताकि वो लावा को सपोर्ट ना करे, और एक वॉल ब्रेकर कनेक्ट हो जाते हैं, तो स्टिल वो हमारा टावर लेना है। तो इधर मैं डिफेंस करूँगा, अब उसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि माइनर तो ले लेगा सोचे, वो रॉकेट भी यूज़ कर रहा है, तो इट्स कॉलिंग गुड गेम। तो हमारा ये 12th मैच था आई गेस, एंड इस वे ले आएंगे तो वी गॉट द 3 क्राउन।
तो बस ऐसे कार्ड्स 13th मैच। इधर मैं सोच रहा हूँ कि दोनों कार्ड विन कंडीशन बोल सकते हैं, और कैनन कार्ड है जो ऑफेंस पे भी डिफेंस पे भी काम हो सकते हैं और ऑफेंस पे भी, तो आपको पता ही है। तो इधर मैं सोच रहा हूँ गॉब्लिन बैरल है, तो अगर उसके पास अगर चोटस स्मेल लकीली उसको मिल जाए तो उतना मतलब काम नहीं करेगा। हाँ मतलब आउटसाइड का वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर सकते हैं, तो इधर आई एम गोइंग विथ कैनन कार्ड। आइस गोलम लूंगा। इधर मतलब मैं जो कार्ड दे रहा हूँ उसको मतलब परफेक्ट बेट डेक हो रहा है, तो इधर मेरे को डर भी हो रहा है अगर मेरे पास कुछ अच्छा स्मॉल स्पेल नहीं मिला तो दैट इज़ ऑलरेडी गोइंग टू बी गेम। अगर मैं ये कार्ड्स लेता तो भी सही होता, बट कोई बात ना, मैं एक अच्छा ग्रेवयार्ड डेक बिल्ड करने ट्राई कर रहा हूँ। इधर मैं सोच रहा हूँ कि रॉयल रिक्रूट्स लेके जाओ, बट हाँ अगर मेरे पास छोटा स्पेल नहीं है तो इसलिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं रैस्कल्स चूज़ करूँगा इधर डिफेंस करने के लिए भी, और रॉयल रिक्रूट्स के सामने अच्छे करते हैं। अगर उसके पास लॉग होता तो गाइस, पता नहीं उसके पास लॉग है कि मेरे को याद ही नहीं, उसको ऑलरेडी एक अच्छा डेक हो चुका है और मेरे पास भी एक बढ़िया ग्रेवयार्ड डेक बन चुका है। उसके पास हमारे पास फायर बॉल है तो उसके पास लाइटनिंग है, तो दैट इज़ द डिफरेंस। इधर मेरा हाई अलर्ट को इधर प्ले करूँगा ताकि उसका कैरिडन बैरल को हम काउंटर करें, एंड उसके पास रॉयल गोस्ट है। इधर आप देखो मेरे पास मतलब स्मॉल स्पेल है ही नहीं डिफेंस करने के, उसकी गॉब्लिन बैरल बहुत आना ही हो रहा है, एंड उधर रॉयल गोस्ट भी टैंक कर रहा था। अगर मेरे पास फायर बॉल ना होता तो बहुत मुश्किल या मतलब बहुत डैमेज हो जाता ऑलरेडी। एंड ये 4 to the right 2 to the left स्प्लिट किया है इसका रॉयल रिक्रूट्स को। इधर मैं देख रहा हूँ कि उसके पास कुछ स्पेल है या नहीं, तो इधर उसका पियर गॉब्लिन्स मेरा गार्ड गॉब्लिन को काउंटर करने है उसके, तो मैं मतलब समझ गए हैं कि उसके पास भी कोई स्पेल नहीं है, तो हमारा रैस्कल्स थोड़ा ज़्यादा डैमेज लेंगे। तो इधर मेरे को बस सिंगल एलिक्सर में होल्ड करना है उसके गॉब्लिन बैरल एंड रॉयल गोस्ट को देखना है। एंड इधर लकीली हमारा एग्जीक्यूशनर मार देता है, एंड मेरे को पता नहीं कि रॉयल गोस्ट हमने फुल्ली काउंटर किया विद जस्ट आइस गोलम, नहीं तो एक हिट मार देता है हमेशा। तो फिर से इसका रॉयल रिक्रूट्स आ रहा है, तो अच्छी बात यह है कि इसके पास कोई स्मॉल स्पेल नहीं है, एरोस या एक लॉग अगर वो होता तो ऑलरेडी गुड गेम हो जाता। स्टिल देखो गाइस इसको तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि कैनन कार्ट, ओके कैनन कार्ट और क्या ऑप्शन था, गॉब्लिन बैरल था। अगर मेरे पास कैनन कार्ट ना होता तो ब्रो तुम लोग ये सोच लो। ओ इधर मैं इधर मेरे को बहुत गुस्सा हो जाता क्योंकि उसका जो रॉयल गोस्ट है पूरा कार्ड से स्प्लैश कर देता है, तो मेरे पार्ट से अनलक्की बोल सकते हैं। एंड इधर मेरे को बस ओके वो थोड़ा पीछे था इसलिए मैं एग्जीक्यूशनर यूज़ किया, फायर बॉल होल्ड किया, तो इधर मैं उसका एक विजार्ड को जल्दी फटाफट फायर बॉल कर देता हूँ, एंड हमारा रैस्कल कर ली एक शॉट से उसका विजार्ड को ख़त्म कर दिए। एंड मेरे को भी पता लगा कि उसके पास मेरे पास फायर बॉल है तो उसके पास भी कोई स्पेल होगा, तो मेरे को बस कंफर्म करना था कि क्या है करके। तो इधर मेरा परफेक्ट इलेक्ट्रो विजार्ड एक गॉब्लिन भी डैमेज नहीं है, तो देयर इज दिस लाइटनिंग फाइनली। तो इधर मेरे को कैनन कार्ड यूज़ करना पड़ा क्योंकि अगर उसका रॉयल गोस्ट मेरा रैस्कल बॉय पे टारगेट कर देते तो फाइनली उसका रॉयल रिक्रूट्स भी आउट है। हमारा मतलब ट्रूप जिंदा है तो फील्ड में, फाइनली टाइम टू गो विथ माई ग्रेवर, एंड हमारा डार्ट गॉब्लिन अभी भी बहुत सही काम कर रहा है। तो इधर मैं जल्दी फायर बॉल कर देता हूँ, मेरे को पता था कि उसका विजार्ड इधर या मतलब देखो गाइस ऑलरेडी डाउन 2300, बस एक दो पुश में हो जाए तो बढ़िया है। लाइटनिंग करेंगे क्या? ओके मतलब पता नहीं क्यों लाइटनिंग किया, बहुत डेस्परेट हो गया हमारा ओपोनेंट। तो फिर से मैं वही पुश करूँगा, तो क्रॉल रिक्रूट इज नॉट द ग्रेट आंसर फॉर ग्रेवयार्ड, तो देर इज द डैमेज। तो फिर से हमारा कैनन कार्ड इधर बहुत एंड डार्क बॉल, तो इधर मैं क्या करूँगा,
ओके इधर बहुत सही पुश कर देता है। मैं बोला तो हमारा मतलब फायर बॉल बहुत बढ़िया यूज किया हमने, नहीं तो 1 सेकंड भी इधर उधर हो जाता तो गाइस मतलब खत्म हो जाता। तो हमारा एग्जीक्यूशनर मतलब गेम ले लिया, तो एग्जीक्यूशनर केक कट करने का वो जो इमोट दे रहा है वो। इधर मैं मतलब इलेक्ट्रो जायंट लिया, तो हर टाइम मतलब पक्का इलेक्ट्रो जायंट से ही जाना पड़ेगा। एंड इधर मेरे मतलब मिनियंस और ये जो लिया इलेक्ट्रो जायंट स्केलेटन आर्मी को मतलब काउंटर कर देता है अगर वो यूज़ कर देता है। एंड मिनियंस मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसके पास उसको मैंने लावा दिया, तो हमारे पास कुछ एयर डिफेंस है। और इधर मैं आप पूछ सकते हो कि मिनियन हॉर्ड क्यों नहीं लिया, मतलब लावा को और भी डिफेंस सही हो सकता है। तो इधर अगर उसके पास एरोस या मतलब फायर बॉल पॉइजन कुछ भी हो तो या स्प्लैश ग्रुप जैसे कि विजार्ड, तो पूरा मतलब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं इलेक्ट्रो ड्रैगन इधर पिक करूंगा। एंड इलेक्ट्रो ड्रैगन बस लाइटनिंग से ही मरता है और रॉकेट, तो उसके अलावा और लावा के सामने भी अच्छा है। और ये क्या है, तो इधर मैं पॉइजन लूँगा ताकि उसका मिनियन हॉर्ड ये जो कुछ भी हो तो उसको हम किल कर सकें। उसके पास ड्रिल और बहुत ही अजीब सा लावा डैग बन चुका है, तो हमारे पास थोड़ा मतलब हमारे पास भी अजीब सा इलेक्ट्रो जाइंट डैग बोल सकते हैं। स्टिल मैं इधर नहीं डालूंगा क्योंकि उसके पास दो बिल्डिंग से, तो हमारा इलेक्ट्रो जाइंट दो बिल्डिंग के सामने थोड़ा स्ट्रगल करता है टावर को रीच होने के लिए। मतलब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता था कि उसके पास दो बिल्डिंग है, तो ड्रिल और टोम्बस्टोन उसके पास था, तो ड्रिल ऑलरेडी यूज़ किया था, तो इसलिए मैं सोच रहा था ड्रिल डिफेंस से भी मतलब यूज करते। मतलब मेरे को पॉइजन नहीं चाहिए क्योंकि ब्रॉलर ने एक ही ऑलरेडी मार दिया था, तो सर वो बहुत बड़ा गलतियाँ कर देता है। देखो कितना लेट था भाई, कितना लेट ड्रिल था, तो इलेक्ट्रो जायंट टावर पे पहुंच चुका है, तो ऑलमोस्ट उसका 80% टावर सब जा चुका है बस। और एक रॉयल जायंट या दो नहीं तीन पॉइजन में भी यूज करना पड़ेंगे, बट उसके पास मिनियन हॉर्ड भी है तो हम टावर पे पॉइजन नहीं लगा सकते। गेस वो लावा से पुश करेगा, तो मैं इधर मेरा डिफेंसिव इलेक्ट्रो जाइंट यूज़ कर देता हूँ लावा के सामने, अगर वो कुछ भी पीछे से स्पैम किया तो उधर। और मेरा इलेक्ट्रो ड्रैगन को भी थोड़ा हेल्थ मतलब प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, सो समझ सकते हो आप, इसलिए मैंने इलेक्ट्रो जाइंट राइट पे यूज़ किया। तो इधर मैं मिनियंस यूज़ करते तो डार्क विंग्स पक्का टावर पे मार देते, तो इधर मैं पॉइजन यूज़ करूँगा। देखो उसके पास दो दो बिल्डिंग है, तो इलेक्ट्रो जॉइंट इजीली मर रहे थे। इधर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बैंडिट हमारा टावर पे पहुंच जाए, बट ना उसके पास केलेडन आर्मी है। पता नहीं भाई क्यों बहुत नींद आ रहा है। तब मैं पीछे से इलेक्ट्रो जॉइंट डाल देता हूँ। एंड हमारे पास इलेक्ट्रो ड्रैगन एंड पॉइजन रेडी है, अगर वो मिनियन हॉर्ड के साथ पीछे यूज किया तो थिंक वो करेगा इधर। हाँ देर इस मिनियन और तो इधर सही पॉइंट। देखो इधर हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन अभी तक जिंदा है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं और एक इलेक्ट्रो जॉइंट ब्रिज पे डाल देता हूँ क्योंकि उसके पास दोनों बिल्डिंग कार्ड्स आउट है। और इधर मैं हीलर भी यूज़ कर देता हूँ ताकि उसको थोड़ा हेल्प मिल सके। आई गेस क्या होगा, हाँ इधर मेरे को लगता है वो डार्क प्रिंस थोड़ा उधर डालेगा और इसलिए हमारा हीलर टावर पे लॉक हो जाता है। दैट्स गोइंग टू बी गेम, उसको कुछ चांस ही नहीं था जीतने का। तो बस गाइस एक स्पेल वगैरह हो तो अच्छा है। तो इधर मैं गॉब्लिन गैंग लूंगा क्योंकि मतलब एक एलिक्सर है तो भी पता है
बियर गोब्लिन अगर उसके पास जैप है तो मर जाते। तो इधर मैं आप पूछ सकते हो गोब्लिन बैरल क्यों नहीं लिया, तो मेरे को मैं मतलब थोड़ा ऐसा कार्ड्स पे रिलाय होता हूँ जैसे कि अगर दोनों इस पे मतलब वन मतलब हेड टू हेड किए तो गोब्लिन बैरल बार बैरल है, मतलब थोड़े स्मॉल स्पेल से उसको मतलब काउंटर कर सकते हैं। अगर वही बैटल रैम को मतलब अगर आपके पास बिल्डिंग नहीं है तो बहुत दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए मैंने इधर बैटल रैम पिक करूँगा। और इधर स्केलेटन आर्मी क्योंकि उसके गोब्लिन बैरल को हम फुली सराउंड कर सके तो उसको बढ़िया डेक हो चुका है। मतलब इधर मैं ड्रिल नहीं लूँगा क्योंकि मतलब वो सही नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं इलेक्ट्रो जायंट पिक करूँगा क्योंकि इलेक्ट्रो जायंट ये क्या है ट्रिपल वो ड्राफ्ट नहीं है, तो इसलिए मतलब बहुत लक फैक्टर भी मैटर हो सकता है। जब उसके पास अच्छा डिफ बिल्डिंग नहीं हो तो इलेक्ट्रो जायंट से टावर पे जा सकते, इसलिए मैं तो मैं ऑलरेडी गोब्लिन गैंग प्लस उसका देखो गाइस उसके पास बिल्डिंग नहीं था, हमारा बैटल रैम कनेक्ट हो गया, इज ऑलरेडी गिविंग द ऊप्स एंड वो बहुत मतलब जीरो एलिक्सर पे एक गोब्लिन बैरल डाल दिया। तो इधर मैं मेरे को पता है कि वो बहुत एलिक्सर लो, मतलब ऑलमोस्ट 4 एलिक्सर या 3 एलिक्सर डाउन है हमारे से। तो इधर मैं क्या करूँगा कि मेरा इलेक्ट्रो जायंट एंड मिनियंस के साथ चला जाता हूँ, तो उसके पास 8 एलिक्सर होगा डिफेंस करने में, हमने 10 स्पेंड किए तो वो 8 स्पेंड किया। फिर हमारा रिप्रेजेंट टावर पर जाएगा क्या, अभी एक हिट मारेगा, बस एक हिट ही चाहिए था बट दो हिट मार दिया एंड उसने जैप वैल्यू दे दिया हमें एंड उसका बेबी ड्रैगन भी ख़त्म, तो बस यही चाहिए था मेरे को। वो गार्ड्स यूज करेगा तो हमारे पास एरोस है तो क्या करेगा, ओके स्नोबॉल यूज करेगा स्टिल एक बार बेरियन टावर पे मारेगा, तो हमारे पास स्टिल नॉट द ग्रेट गोब्लिन गैंग बट कोई बात नहीं, मतलब बस एक या दो गोब्लिन कनेक्ट हो चुके। मैं फिर से क्या करूँगा कि मेरे को पता है कि मैं 4 एलिक्सर अप या 3 एलिक्सर 3.5 आई गेस, तो फिर से मैं करूँ उसके पास बस गोब्लिन ड्रिल या डिफेंस का यूज करने का एंड वो 6 एलिक्सर ऑलरेडी स्पेंड कर देता है, उसके पास है नहीं, अगर वो बेबी ड्रैगन यूज कर तो भी कुछ हो जाता। मैं जब उसको स्पीयर गोब्लिन को जैप कर रहा हूँ एंड दैट इज गोइंग टू बी टावर आई गेस, हाँ। और अभी मेरे को बस उसका गोब्लिन ड्रिल एंड गोब्लिन बैरल को डिफेंस करना है, इसलिए मैं प्रेशर रखता हूँ विथ माई बैटर रैम, मैं प्री एरोस कर देता हूँ एंड उसका गार्ड्स आ जाते हैं तो बढ़िया है, उसको और भी ज़्यादा डैमेज हो रहा है। मैं ओके मेरा इलेक्ट्रोजेन से पीछे से यूज़ कर देता हूँ, ओके वो पता है ऐसे कुछ करेगा करके, तो मेरा स्केलेटन आर्मी भी यूज़ कर देता हूँ, हमारे पास 2 बेट कार्ड्स है तो बढ़िया। और मैं इधर उसका मैजिक आर्चर को ये कर देता हूँ एंड मैं सोचा ये गार्ड्स यूज़ करेगा तो इसलिए मैंने प्री एरोस के बट वो यूज़ नहीं किया, उसको टावर लेना ही लेना है तो इसलिए उसका 7 एलिक्सर का पुश आ रहा है, तो हमारे पास मतलब सब कुछ है दैट इज गोइंग टू गेट आवर राइट आवर। तो बस ऐसा ही, आई होप आपको मतलब मेरा कार्ड सेलेक्शन थोड़ा देख के क्या कार्ड्स पिक करना है तो आई होप आपको आइडिया आ चुका होगा। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका ड्राफ्ट टूर्नामेंट कैसे चल रहा है ज़रूर कमेंट में बताऊँ। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय गाइस।